नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ है ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। सावन में हनुमान जी की पूजा कैसे होगी फलदायी? सावन में कैसे करें बजरंग बली की पूजा? सावन में हनुमान जी की पूजा का क्या है महत्व? सावन में शनि के दोषों से कैसे मिलेगी मुक्ति? देखिए सिर्फ भाग्य चक्र में। सावन महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। देवों के देव महादेव के पसंदीदा सावन महीने में भक्त उनका आशीर्वाद पाने के लिए शिव की पूजा अर्चना करते हैं। सावन महीने के सोमवार का विशेष महत्व होता है, लेकिन इस महीने में पड़ने वाले मंगलवार भी बेहद खास होते हैं। हनुमान जी को भोलेनाथ का ही अवतार माना जाता है। भगवान शिव की तरह वो भी इस महीने भक्तों की सारी मुरादें पूरी कर देते हैं। सावन का महीना भगवान शिव के साथ बजरंग बली को भी प्रसन्न करने का बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। ऐसे में आज हम अपने प्रोग्राम में जानेंगे कि आखिर सावन में बजरंग बली को कैसे प्रसन्न करें और उनका आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें। पंडित जी बताइए, कैसे भगवान हनुमान को प्रसन्न किया जा सकता है और साथ ही कौन से मंत्रों के जरिए उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करें भक्त? जी, शिव महापुराण के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव का अत्यंत प्रिय माह कहा जाता है। सावन का महीना शिव उपासकों के लिए अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है। हमारी पौराणिक कथाएं कहती हैं कि भगवान हनुमान शिव के ही रुद्रावतार हैं, मतलब हनुमान और शिव में कोई विशेष भेद नहीं है। श्री बजरंगबली हनुमान जी रुद्रावतार कहे जाते हैं। इसलिए यह भी कहा जाता है कि सावन का मंगलवार अगर हनुमान जी को समर्पित कर दिया जाए, हनुमान जी के लिए निकाला जाए, हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाए, तो हनुमान जी की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, चाहे वो शिव भक्त हों और चाहे जो है हनुमान जी के भक्त हों, चाहे रुद्र भक्त हों। इसके साथ ही भक्तों के जीवन में आने वाले सभी संकट दूर होते हैं, क्योंकि संकट नाशन कहे जाते हैं हनुमान जी। तमाम बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को मुक्त कर देते हैं बजरंगबली। यदि कोई भक्त सावन के मंगलवार के दिन भगवान हनुमान का पूजा सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से करता है, तो उसे विशेष कृपा की प्राप्ति होती है, विशेष फल की प्राप्ति होती है। हनुमान जी की पूजा आराधना से भगवान शिव का भी वरदान प्राप्त होता है, क्योंकि शिव के ही स्वरूप है रुद्रावतार श्री हनुमान जी। सनातन धर्म कहता है कि जो भक्त सावन के महीने में हनुमान जी की पूजा करता है, उन्हें शुभ फल की प्राप्ति होती है। अशुभ फल ऐसे ही नहीं, जो उसकी मनोकामना है, जो उसकी इच्छा है, वह जरूर पूर्ण होती है। भगवान हनुमान जी के साथ भगवान शिव की भी कृपा मिलती है। भगवान हनुमान जी अपने उपासकों की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी भक्त के साथ भी हो लेते हैं, मतलब उसके साथ निवास भी करते हैं। छोटी से छोटी और बड़े से बड़ी दैनिक आवश्यकताओं में भी उसकी मदद करते हैं। इतना भक्त की महिमा है सावन के महीने में, अगर वह हनुमत भक्त है, हनुमत उपासना करता है। शिव महापुराण में लिखा गया है कि शिव अवतार की पूजा से भी शिव प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी रुद्रावतार हैं। सावन में किए जाने वाले हनुमान जी के खास उपाय भक्तों की हर स्थिति में विजयी बनाते हैं। वैसे भी हनुमान जी जिसकी पताका पे होते हैं, उसकी विजय सुनिश्चित हो जाती है। आपने महाभारत देखी होगी, पढ़ी होगी, आपने देखा होगा जिस रथ पे अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण थे, उसकी पताका पे स्वयं हनुमान जी विराजमान थे। हनुमान जी के होने का मतलब ही होता है विजय श्री। हनुमान जी के होने का मतलब ही होता है धर्म। ऐसा इसलिए क्योंकि हनुमान जी जहाँ होते हैं वहीं धर्म होता है, वहीं हमारे राम जी होते हैं, और जहाँ राम जी होते हैं वहाँ धर्म होता है। ऐसे में जब कोई व्यक्ति हनुमान जी की उपासना करता है और ऐसे किसी व्यक्ति की पीठ पीछे आपकी बुराई कोई करता है, आपके सफलते में कोई रास्ते में रोड़ा बनता है, किसी तरह के परेशानी उत्पन्न करता है जिससे आपको तनाव होता है, तो ऐसे में अगर हनुमान जी की आप भक्त हनुमान जी की उपासना करते हैं, तो आपकी सारी अड़चन सारी बाधाएं दूर होगी, और जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं ऐसे शत्रुओं का भी समन होगा। ऐसे में क्या करना है कि हनुमान जी का एक ऐसा भी मंत्र जो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, उसके मन को आपके विरोध में चल रही बातों को भी शांत करता है। इस मंत्र के उपयोग से आप अपने विरोधी शत्रुओं को शांत कर सकते हैं, उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं, या यूँ कहें कि उन्हें सम्मोहित कर सकते हैं, अपने अनुकूल बनाने के लिए आप उन्हें अपने बस में कर सकते हैं। मंत्र आप लिख लीजिए,
मंत्र क्या है? नरसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात। ये श्रीहरि विष्णु के नरसिंह अवतार का नरसिंह गायत्री है। यह एक पौराणिक कथा है नरसिंह और हनुमान के संबंध में, लेकिन यह जो मंत्र है यह बहुत उपयोगी है। हनुमत उपासना में यह करना चाहिए और ऐसा करने से निश्चित रूप से आपके विरोधी शांत होंगे, विरोध में चल रहे षड्यंत्र समाप्त होंगे और आपको विजयश्री जरूर मिलेगी। तो पंडित जी ने अभी आपको बताया कि कैसे आप अश्वंग बलि को प्रसन्न कर सकते हैं। आप पंडित जी से जानते हैं कि हनुमान जी को क्यों शिव का 11वां अवतार माना गया है। पंडित जी बताइए, साथ ही ये भी बताइए कि भक्त कैसे पूजा अर्चना अश्वंग बलि की करें और किन बातों का ध्यान विशेष तौर पर इस सावन के महीने में वो रख सकते हैं ताकि भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो सके। जी, बजरंग बलि एकादश रुद्र अवतार है, अर्थात वो भगवान शिव के 11वें अवतार हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि सावन के महीने में हनुमान जी की साधना बहुत फलदायी होती, जैसा मैंने पहले आपको बताया। बजरंग बलि की उपासना करके जीवन में आ रही समस्त तरह की कठिनाई, परेशानी, मुसीबतों को दूर किया जा सकता है, उनसे बचा जा सकता है। हनुमान के भगवान शिव के ही 11वें रुद्रावतार होने के कारण इनकी पूजा भगवान शिव और श्री राम के आशीर्वाद के चलते सावन में विशेष मानी गई है। सावन के किसी भी मंगलवार को सुबह स्नान आदि निवृत्त होकर के और उसके बाद बढ़ के पेड़ के एक पत्ता तोड़ लें और इस पर साफ स्वच्छ पानी से उसको धो लें। अब इस पत्ते पर कुछ देर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रखें और उसके बाद उस पर केसर से श्री राम लिखें, श्री राम लिखें। इसके बाद पत्ते को अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से साल भर आपको कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होगी, मतलब पैसे का आवागमन बना रहेगा। इसके बाद दोबारा सावन का महीना आए तो इस पत्ते को किसी नदी में प्रवाहित कर दें और पुनः इसी प्रकार से एक पत्ता श्री राम के नाम से अभिमंत्रित करके अपने पर्स में रख लें या अपने तिजोरी में रख लें, क्योंकि श्री राम लिखा हुआ पत्थर अगर समुद्र में तैर सकता है तो श्री राम लिखा हुआ है पत्ता क्यों आपकी मदद नहीं करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। ये तो हो गई धन के प्राप्ति की बात, लेकिन अगर आप हनुमान जी की कृपा चाहते हैं तो यही बड़ के पत्ते 11, 21 की संख्या में तोड़ लें, उसे स्वच्छ पानी से धो लें, उसके बाद उस पर श्री राम लिख करके उसकी माला बना लें और अपने हनुमान जी के मंदिर में जा करके जो नज़दीक मंदिर हो उसमें हनुमान जी को हम माला पहनाएं। हनुमान जी को यह माला पहनाने से निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, हनुमान जी की प्रीति मिलेगी। हनुमान जी को प्रसन्न करने का यह प्राचीनतम टोटका है, उपाय है। सावन में मंगलवार के दिन किसी हनुमान जी के मंदिर में जाएं और वहां बैठ करके राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करें। राम रक्षा स्त्रोत करने से व्यक्ति हर प्रकार की बाधा से, हर प्रकार की मुश्किल से सुरक्षित हो जाता है। उसके बाद हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग समर्पित करें। साथ ही जीवन में यदि कोई समस्या वर्तमान में चल रही है, कोई दशा महादशा खराब चल रही, किसी संकट से आप परेशान हैं, उसके निवारण के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करें। ऐसा करने से समस्या का हल हो जाएगा, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में जब भी आप तैयार हो जाएं, तैयार होने के बाद किसी भी नज़दीक के हनुमान मंदिर में जाएं और वहां पे हनुमान जी के सामने एक चमेली के तेल का दीपक और सिंदूर का चोला चढ़ाएं। चोला मतलब होता है सिंदूर और चमेली का तेल, इसका चोला चढ़ाएं। साथ ही चोला चढ़ाते समय एक दीपक भी जलाएं चमेली के ही तेल का और उसके बाद आप अपनी प्रार्थना कहें। दीपक में चमेली का तेल ही प्रयोग करना चाहिए और कोई तेल प्रयोग नहीं करना चाहिए जब आप चोला चढ़ा रहे हो, खास करके मंगलवार के दिन। अब चोला चढ़ाने के बाद हनुमान जी को गुलाब के फूल की माला पहनाएं और केवड़े का इत्र हनुमान जी की मूर्ति के दोनों कंधों पर थोड़ा थोड़ा छिटक दें। अब एक साबुत पान का पत्ता लें और इसके ऊपर थोड़ा गुड़ और चना रखकर हनुमान जी को नैवेद्य भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद उसी स्थान पर बैठकर थोड़ी देर तुलसी की माला पे या बिना माला के हनुमान जी के मंत्र का जप करें, ओम हांग हनुमतये नमः, या जो भी हनुमान जी का मंत्र आपको आता है वह मंत्र आपको हनुमान जी के सामने बैठ के करें। हनुमान जी के सामने मंत्र करने से मंत्र जल्दी सिद्ध होता है। इसके बाद आप भगवान शिव की भी आराधना कर सकते हैं, वहीं बैठ कर भगवान शिव के सामने देसी घी का दीपक जलाएं। हनुमान जी के साथ शिव की आराधना और शिव जी के साथ हनुमान जी की आराधना दोनों एक साथ करने से निश्चित रूप से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। रही बात अगर कोई जीवन में बीमारी है, कोई रोग है, कोई दोष है, कोई शोक है, उस पर भी लगाम लगती है, क्योंकि हनुमान जी के बारे में जानिए कि इस संसार में जो 7 लोग चिर जीवनी हैं उसमें एक हनुमान जी हैं। हनुमान विभीषण कृत
ये जो चिरजीवनी है ये इसमें हनुमान जी विशेष हैं और ऐसा मान्यता है, ऐसे हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि हनुमान जी इस सृष्टि के अंत तक रहेंगे और जब तक हनुमान जी धरती पे हैं वो प्रत्यक्ष देव हैं, आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इनकी पूजा सद्या फलदायी होती है, मतलब क्विक एक्शन होता है। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो हनुमान चालीसा ही पढ़ें, उससे ही आपका कल्याण होगा। पंडित जी, पूजन विधि के बारे में तो आपने बता दिया भक्तों को, लेकिन अगर हनुमान चालीसा का पाठ इस सावन के महीने में भक्त करते हैं तो उनके लिए कितना उपयोगी हो सकता है, कैसे यहाँ पर वो अपनी किस्मत को खोल सकते हैं? साथ ही अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता की जो बात आई है उसका क्या अर्थ है, क्या महत्व है, वो भी बताइए। जी बिल्कुल, मैंने हनुमान चालीसा के बारे में बताया कितना उपयोगी है हनुमान चालीसा। अगर कुछ नहीं आता है हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान चालीसा हनुमान जी के व्यक्तित्व को बताता है, उनके कृतित्व को बताता है, उनके शक्ति को बताता है, उनके विषय में व्यापक वर्णन करता है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा में आप देखेंगे कि एक एक बात कितनी सरल और आसान भाषा में लिखा गया है। इसी क्रम में जो भी आपने कहा कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, मतलब यह जो अष्ट सिद्धि है नवनिध है यह माता जानकी ने नहीं दिया है हनुमान जी को, बल्कि हनुमान जी को ये अधिकार दिया है माता जानकी ने कि अब आप अगर चाहते हैं तो किसी को यह अष्ट सिद्धि नवनिधि प्रदान कर सकते हैं। दो बातें हैं इसमें, थोड़ा सा भेद है समझने की बात है कि एक माता जानकी चाहती तो उनको दे सकती थी कि आप अष्ट सिद्धि नवनिधि के मालिक हो जाइए, नहीं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता कि अब आप अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हो गए, प्रदाता हो गए। अच्छा, माता जानकी के बारे में जानिए कि माता जानकी स्वयं जगदम्बा की स्वरूपा हैं, स्वयं आदिशक्ति हैं, पराम्बा हैं, भगवती हैं। और दुर्गा सप्तशती को आप जब देखेंगे तो वहाँ पे यह श्लोक आया है, रोगान शेषा नपहन तुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान भिष्टान अत्वामा श्रितानाम नविपन नराणाम अत्वामा श्रिताना रहता प्रयांति, मतलब कि जो दुर्गा जी की कृपा प्राप्त करता है, जो माता जानकी की कृपा प्राप्त करता है, पहले वह विपन्न नहीं रहता। ये तो सामान्य सी बात है, ये तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन इसके आगे श्लोक कहता है कि त्वामा श्रितानाम न विपन्न राणाम, जो आपके आश्रम में रहेगा, मतलब माता जानकी के भक्त के आश्रम में जो रहेगा वह भी विपन्न नहीं होगा। इसी तरह से इसी क्रम में हनुमान जी के बारे में तुलसीदास जी भी ये लिखते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, कि मतलब जो जगदम्बा के भक्त हैं वह चाहें तो संसार के कई लोगों को आश्रय दाता होते हैं, आश्रय प्रदाता होते हैं। इतनी बड़ी कृपा है माता की, और माता जानकी कृपा से हनुमान जी को यह शक्ति मिली, जिसका मतलब होता है कि इन सिद्धियों की ताकत हनुमान जी को मिल जाना। इन सिद्धियों में बहुत ताकत होती है, इन सिद्धियों की वजह से ही हनुमान जी रामायण काल एवं महाभारत के युग में इतने बड़े बड़े काम कर पाए। हनुमान जी को आठ सिद्धियों और नौ निधियों के प्रदाता बताया गया। आठ सिद्धियां क्या हैं? अरिमा सिद्धि, इनके बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर लेते थे। इस सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने तब किया जब वो समुद्र पार लंका पहुँचे। हनुमान जी ने अरिमा सिद्धि का उपयोग करके अति सूक्ष्म रूप धारण किया, पूरी लंका का निरीक्षण किया। महिमा सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने कई बार विशाल रूप धारण किया। जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका जा रहे थे तब बीच रास्ते में सुरसा नाम की राक्षसी ने उनका रास्ता रोक लिया। उस समय सुरसा को परास्त करने के लिए हनुमान जी ने स्वयं का रूप 100 योजन तक बढ़ा लिया। इसके अलावा माता सीता को श्री राम के वानर सेना पर विश्वास दिलाने के लिए महिमा सिद्धि का प्रयोग करते हुए स्वयं के रूप को अत्यंत विशाल कर लिया था। गरिमा सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते थे। गरिमा सिद्धि का उपयोग करके हनुमान जी ने महाभारत के समय भीम के समक्ष किया था, जब इतना वजन उनका हो गया। उस समय भीम अपनी शक्ति पर घमंड कर रहे थे, भीम के घमंड तोड़ने के लिए बजरंगबली ने गरिमा सिद्धि का प्रयोग किया। लघिमा सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने स्वयं का भार बिल्कुल हल्का करने के लिए किया, और पल भर में कहीं भी आ जा सकते थे, वायु में उड़ सकते थे, तैर सकते थे।
प्राप्ति सिद्धि की मदद से हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर सकते थे। पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते थे, आने वाले समय को देख सकते थे। प्रकाम सिद्धि की मदद से हनुमान जी ने पृथ्वी की गहराई पाताल तक जा सकते थे, आकाश में उड़ सकते थे, मनचाहे समय तक पानी में जीवित रह सकते थे। प्रकाम सिद्धि से हनुमान जी चिरकाल तक युवा ही रहेंगे, साथ ही वे अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी देह को कारक कर सकते हैं। ईसत्व सिद्धि की मदद से हनुमान जी को दैवी शक्तियाँ प्राप्त हुई। ईसत्व के प्रभाव से हनुमान जी ने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व किया था। वशित्व सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्री हैं, कोई मोह नहीं है, कोई लोभ नहीं है, केवल भक्ति है मन में और मन पर नियंत्रण रख सकते हैं। वशित्व के कारण हनुमान जी ने किसी भी प्राणी को तुरंत अपने वश में करने का कौशल प्राप्त करते हैं। श्री हनुमान चालीसा में हनुमान जी के नव निधियों के वर्णन किया गया है। ये नव निधियाँ बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत जरूरी हैं, जो कि संसार में अगर समाप्त हो जाएं तो धन संपदा वैभव चारों तरफ अंधकार और दरिद्रता व्याप्त हो जाएगी। इन निधियों का नाम है पद्म निधि। पद्म निधि लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक होता है तथा स्वर्ण चांदी आदि की संग्रह करके दान करता है। महापद्म निधि से लक्षित व्यक्ति अपने संग्रहित धन आदि का दान धार्मिक जनों में करता है। नील निधि से सुशोभित मनुष्य सात्विक तेजस से संयुक्त होता है, उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक रहती है। मुकुंद निधि से लक्षित मनुष्य रजोगुण संपन्न होते हैं और राज संग्रह में लगा रहता है। नंद निधि का व्यक्ति राजस और तामस गुणों वाला होता है, वह कुल के आधार पर होता है। मकर निधि संपन्न पुरुष अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है। कक्षप निधि से लक्षित व्यक्ति तामस गुण वाला होता है, वह अपनी संपत्ति का स्वयं उपभोग करता है। शंख निधि 1 पीढ़ी के लिए होती है। सर्व खर्व निधि वाले व्यक्ति स्वभाव में मिश्रित फल दिखाई देते हैं, मतलब ये कमाते भी हैं, खर्च भी करते हैं, जीवन भर संपन्न बने रहते हैं। सामान्य आर्थिक स्थिति होती है, लेकिन कभी दरिद्रता के शिकार नहीं होते हैं। कुल मिलाकर के भगवान हनुमान की उपासना करने से, रुद्रावतार श्री बजरंगबली की पूजा पाठ करने से, उन्हें प्रसन्न करने के प्रयास करने से निश्चित रूप से आपके घर में 2 चीज़ें जरूर रहेंगी, एक संपन्नता, दूसरी समृद्धि। यही संदेश है हनुमान जी की पूजा आराधना का। सावन के महीने में हनुमान जी की उपासना करिए। आपने देखा होगा प्राचीन काल से सावन के महीने में हमारे देश में मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिरों में तमाम भक्त पूजा अर्चना विशेष रूप से करते हैं, करते रहे। यह प्राचीन काल की परंपरा है जो अनवरत रामायण काल से लगातार चली आ रही है। चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि सावन में शनि की 7.5 से कैसे मुक्ति मिलेगी, सावन में आखिर कैसे बजरंग बली की पूजा करें और शनि दोष से मुक्ति पाए, पंडित जी बताइए। जी, मकर कुंभ और धनु राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। मिथुन और तुला राशि पर शनि की ढैया चल रही है। शनि की 7.5 और ढैया की वजह से व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हमारी धार्मिक मान्यता कहती है कि शनि देव के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा करने से सभी तरह के दोष दूर हो जाते हैं। हनुमान जी इस कलयुग के जागृत देव हैं। शनि दोषों से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन विधि विधान से हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है, क्योंकि मंगलवार का दिन ही हनुमान जी का जन्मदिन माना जाता है कि मंगल को ही हनुमान जी उत्पन्न हुए थे। मकर, कुंभ, धनु, मिथुन और तुला राशि के जो दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं वो ये उपाय जरूर करें, क्योंकि उनके जन्म कुंडली में उनकी राशि में शनि की 7.5 और ढैया चल रही है। आपको उपाय क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ वैसे एक पाठ पर्याप्त है, लेकिन शनि की 7.5 और ढैया से मुक्ति के लिए एक दिन में कम से कम 108 पाठ जरूर करें, क्योंकि जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख हुई। वैसे जो व्यक्ति रोजाना नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है वैसे शनि देव परेशान नहीं कर पाते हैं। शनि की स्थिति जन्म कुंडली में मजबूत होती है, उससे जीवन में कोई भी परेशानी आती है तो वह परेशानी स्वतः से दूर हो जाती है। शनि ही क्यों, शनि, मंगल, राहु, केतु जो भी पापक ग्रह हैं उन तमाम पापक ग्रहों की शांति के लिए हनुमान जी की उपासना बहुत खास होती है, क्योंकि हनुमान जी के जीवन भर का अगर आप काम देखेंगे तो उनका काम ही रहा है नकारात्मक शक्तियों के खिलाफ युद्ध लड़ना। वो सिर्फ रावण की सेना से युद्ध नहीं लड़े, जब जब आसुरी शक्तियां बलवती हुई तब तब उन्होंने युद्ध किया, चाहे लंका की बात हो, चाहे वन में बात हो, उन्होंने हमेशा बुराई के खिलाफ
लड़ाई लड़ी। अब जब भी जीवन में कोई बुरी दशा आती है, कोई नकारात्मक फेज आता है, तो हनुमान जी बहुत सहायक होते हैं। हनुमान जी की पूरा व्यक्तित्व पालन करने योग्य है, अनुकरणीय है कि अगर कोई भक्त हो तो हनुमान जैसा हो, कोई काम करने का मन में संकल्प हो तो हनुमान जैसा हो, कोई पुत्र हो तो हनुमान जैसा हो, कोई मित्र हो तो हनुमान जैसा हो। कुल मिलाकर के हनुमान जी जिस रिश्ते में रहे उस रिश्ते की मर्यादा को असीम ऊंचाई तक पहुंचाया, इसलिए हनुमान जी का व्यक्तित्व इतना महान है। हनुमान जी विद्यावान हैं, विद्यावान होने के साथ साथ गुणी हैं, चातुर्य कौशल है, और इनके बारे में मैं जितनी प्रशंसा करूं उतना कम है। सबसे बड़ी बात कि हनुमान जी अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। हनुमान जी ने इतना बड़ा एक भक्त के बारे में मर्यादा स्थापित करी है कि अगर मैं बताऊं तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि हनुमान जी ने एक भक्त को वचन दिया और उस भक्त के वचन को रखने के लिए अपने आराध्य प्रभु श्री राम से युद्ध करने को उद्यत हो गए। अब इससे बड़ा मर्यादा हनुमान जी अपने भक्त के पक्ष में क्या रखते हैं? ये थे हनुमान जी। कथा रामायण काल की है कि एक बार एक राजा को मारने के लिए श्री राम ने संकल्प कर लिया, लेकिन माता जानकी को वचन दिया हनुमान जी ने कि मैं इस राजा की रक्षा करूंगा, और उस राजा की रक्षा करने के निमित्त हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का भी विरोध किया, उनके सम्मुख खड़े हो गए कि आप इसका वध नहीं करेंगे क्योंकि मैंने अपनी माता जानकी को वचन दिया हुआ है कि अब इनका वध नहीं करना है, इनको जीवनदान अभयदान दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर के अगर आपकी भक्ति से हनुमान जी प्रसन्न हो गए तो इस संसार की कोई भी शक्ति, चाहे इस जगत में वो दिखाई देती हो चाहे न दिखाई देती हो, चाहे पारलौकिक हो चाहे इहलौकिक हो, कोई भी शक्ति आपका कुछ भी बुरा नहीं कर सकती। इसका मतलब है सर्व क्षेत्र विजयी भव, कहीं भी किसी भी स्थिति में आपका कोई नुकसान नहीं होगा, हर क्षेत्र में आपकी विजय होगी। इतनी महिमा है हनुमान जी के भक्ति का। हनुमान जी की भक्ति बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अगर आप कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड का पाठ करें, लेकिन नियमित करें, उनके श्री चरणों में अपनी प्रीत लगा के रखें। निश्चित रूप से हनुमत कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो पंडित जी ने आज के प्रोग्राम में आपको हनुमान चालीसा का महत्व बता दिया, साथ ही रुद्र और शिव के बारे में बताया। बजरंग बली को आप पूजा अर्चना के जरिए कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी पंडित जी ने आपको विस्तार से बताया। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही, आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों से पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।